अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप यू फाइन। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद हैप्पी मूड। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप नोटपैड प्लस प्लस जो है वो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी की जो है 32 बिट और 64 बिट रैम के लिहाज से, ठीक है। और उसके साथ मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप उसको जो इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को इशू आ रहा था कि मैम हमें कौन सा जो है पता चलेगा कि कैसे 32 बिट 64 बिट का जो है वो इंस्टॉल करना है। सो मैं आप लोगों को कंप्लीट जो है वो इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं कर रही हूँ आप वैसे करते जाइएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो है ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। सो अगर आप वीडियो पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को पहले लाइक करें और फिर जो है हम वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो उम्मीद है आपने अभी लाइक कर दिया होगा और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी फिर इस तरह की इनकमिंग वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सकेगा और आप जल्दी से जो है वो वीडियो वॉच कर पाएंगे। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले आपने यहाँ पे गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे जाने से पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आपका पीसी जो है या फिर लैपटॉप जो भी है उसमें विंडो कौन सी है, ठीक है, और जो है उसका कौन सा जो है वो 32 बिट का है आपका और या 64 बिट का, तो उस लिहाज से भी सॉफ्टवेयर जो है उसमें होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपका ये दिस पीसी होगा, ठीक है, यहाँ पे ये जो है कंप्यूटर सा बना होता है तो यहाँ पे सर्च बार में भी आप इसको सर्च कर सकते हैं अगर यहाँ पे भी नहीं है, तो इसके ऊपर आपने ना माउस से राइट क्लिक करना और यहाँ प्रॉपर्टीज पे आना है। सबसे पहले कोई भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है डाउनलोड करना है तो फिर जो है इस पर आप जो है वो चेक किया करें। तो ये देखिए जैसे इस पर आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आप लोगों की जो है वो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 64 बिट का है यहाँ पे, ठीक है, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है और विंडो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इधर जाना है गूगल पे, तो यहाँ पे अब आपने अपने 32 बिट या जो भी है ठीक है डाउनलोड लिखना है इसको जो है डाउनलोड करने के लिए, तो आपने राइट करना है डाउनलोड नोट पैड, ठीक है, प्लस प्लस। तो अगर आपने 32 बिट या 64 बिट जो भी है उसको आप यहाँ पे जो है वो राइट कर देंगे तो जो है वो उस लिहाज से आप लोगों का जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो फ्री आप लिख दें, ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन है वो अगर आप करना चाहते हैं तो वो, तो ये देखें यहाँ पे जो है ये आ गए हैं नोट पैड प्लस प्लस, यहाँ पे तमाम विंडोज़ के लिए दिए हुए हैं। फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे या फिर ये देखो 64 बिट लिखा आ रहा है यहाँ पे, ये सारी विंडोज़ के लिहाज से भी और ये जो है 10, 7, 8 विंडो के लिहाज से जो भी वर्जन 2021 का है, तो ये देखिए यहाँ पर सारे हैं। तो आप अपने पीसी के लिहाज से इसको जो है ये फ्री अगर डाउनलोड यहाँ पे भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पे लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो पेड भी होते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो अगर डाउनलोड है या नहीं है तो वैसे भी बहुत जल्दी ये हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड पोर्शन में आ जाएगा, उसके बाद आप क्लिक कट करके यहाँ पे ले आइएगा, ये आगे, ठीक है, ये ऊपर ये डड्डू सा बना होगा इसके ऊपर मैंडेक्स सा, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो है अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड तो हो गया है, ठीक है। आप क्या करना है, इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर ये जो आपके पास आया है डाउनलोडर डाउनलोड होके इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ना एक इसका जो है विंडो सी शो होगी, यस या नो की। कोई भी सॉफ्टवेयर हम करते हैं तो यस या नो के ऑप्शन जो है वो शो होती हैं, तो हम यस करें तो फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। मे बी आपको ये शो ना हो रहा हो वीडियोज़ के अंदर, तो मुझे जो है यहाँ पे शो हो रहा है, आपको भी जब आप अपने उस पर क्लिक करेंगे सेटअप पे तो आपको भी शो होगा। मैं यहाँ यस पे क्लिक करती हूँ, जैसे यस पे क्लिक किया है तो वो जो है इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले वो यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहा है कि आपने लैंग्वेज कौन सी करनी है, ऑलरेडी जो है वो डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही है तो हम जो है वो इंग्लिश ही करेंगे, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ओके पे क्लिक किया तो आप इसकी जो है वो आगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे इसकी कुछ जो है वो
एग्रीमेंट्स होते हैं, तो हमने आई एग्री पे क्लिक करना होता है, उसके बाद नेक्स्ट पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहती हैं कि मैं इसको डी ड्राइव या किसी और ड्राइव पे रखना चाहती हैं, तो मैं ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट जो है वो सी ड्राइव के अंदर ही जाते हैं सभी के सभी, ठीक है। तो मैं सी के अंदर ही रखना चाहती हूँ, या ब्राउज़र पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसको जो है वो अंदर कोई अदर जगह पे रखना चाहती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देन फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप ये इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने इसका शॉर्टकट जो है वो डेस्कटॉप पे करना है, ठीक है, तो इस पर आप कर लें, ठीक है। तो फिर इंस्टॉल पे जो है वो क्लिक कर लें, ठीक है। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक किया है तो जो है ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। तो ये देखें, बस यही कोई 2-3 मिनट का काम होता है तो हो जाता है, ठीक है। अब जो है मैं इसको फिनिश करती हूँ, ठीक है, तो फिनिश किया तो जो है ये इसको ओके करते हैं अब, ठीक है, और ये ओपन हो गया, ठीक है। लो जी, ये हमारा जो है वो इंस्टॉल होके आ गया इसका। तो अब इसके अंदर आप जो है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा नोटपैड का ये होता है कि जो हम इसके अंदर कोई भी अगर कोड के अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो हम इजीली कर सकते हैं। अगर किसी एक वेरिएबल्स पे हमने क्लिक किया तो वो जितने भी वो जहाँ जहाँ पे यूज़ होगा तो वो हमको हाईलाइट जो है करके दिखा देगा। ये हमें आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक असाइनमेंट थी कोड की, यहाँ पे मैं दोबारा से जो है इसको ओपन करती हूँ सर्च बार में। तो अब देखो, यहाँ पे मैं सर्च बार में किया ना, तो अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे इसको रख लें तो वो आपने जो शॉर्टकट था ना उस पर क्लिक कर देनी, तो आपका डेस्कटॉप पे आ जाना था। अब इसको अगर यहाँ पे आप यहाँ बार के बार में नीचे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पिन कर लें, ठीक है। ये देखो टास्क बार में ना, टास्क बार में यहाँ पे पिन टू स्टार्ट, तो मैं यहाँ पे टास्क बार में इसको पिन कर देती, तो ये देखो यहाँ नीचे आप इजीली जब भी ओपन करना होगा यहाँ से कर लूँगी इसको, ठीक है। तो ये भी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। इसको हम कंट्रोल ए करके जो है वो हम इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को ये एक फाइल पड़ी हुई है इसकी, तो मैं यहाँ पे कोड लेके आती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि आपने इसके अंदर कोड में क्या आपको कंट्रोल है, कंट्रोल सी। तो अब मैं इसके अंदर लेके आती हूँ, कंट्रोल वी किया तो ये सारा कोड इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो ये कोड आ गया, अब क्या करेंगे हम, ये सेव नहीं किया फाइल को, सबसे पहले हम सेव करवाएंगे, सेव एज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं इसको जो है CS201 के नाम से सेव करवाऊंगी, डेस्कटॉप पर ही करवा लेती हूँ, ठीक है। और सेव किया तो ये जो है ना वो सेव हो गई ये फाइल, ठीक है। तो अगर ठीक है, इसकी मैंने ये डेस्कटॉप पे इसको सेव करवा दिया, ये फाइल बड़ी है इसकी, तो इसके अंदर से आप चाहते हैं कि ये इसमें ओपन हो नोट पैड के अंदर, तो वो अंदर सेटिंग करनी पड़ती, वो हो जाती, बट यहाँ पे मेरी नोट पैड में ओपन होके आ रही, ठीक है। तो अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे कॉलम नाम का एक जो है वो सिलेक्ट किया है, तो ये देखिए जितने भी हैं ना वो सारे सिलेक्ट हो गए। अब अगर हमने कोई वेरिएबल्स वगैरह के नाम चेंज करना है तो फिर ये यहाँ से बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती, तो ये उस लिहाज से बहुत अच्छा है, ठीक है एडिटर। तो इसमें जो है वो इजीली हम चेंज नहीं कर सकते कोड में। सो उम्मीद है कि आप लोग को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी करें आगे, और जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आप लोग की जो है सब्सक्राइब किया होगा तो आप लोग की और ज़्यादा जो है हेल्प होगी, जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन फौरी मिल सकेगा आपको। और अगर आप लोगों को कोई भी समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। So thanks for watching my video and Allah Hafiz.